एक निवेदन करता हूं, जब भी कोई चिंता हो, कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर लो। यदि उस समस्या का समाधान आपने, उस चिंता का समाधान जल्दी नहीं किया, तो छोटी सी चिंता भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। एक व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास गया, जाकर अपनी समस्या रखी। मनोचिकित्सक ने उसकी समस्या को पकड़ लिया और पकड़ा के बहुत छोटी सी बात लेकर के परेशान है। डॉक्टर ने सीधा सीधा इलाज नहीं बताया, एक डेमो दे दिया। सामने रखे हुए गिलास को थोड़े से पानी से भर दिया और भर करके उस रोगी को कहा कि इसको उठाओ। रोगी ने गिलास उठाया और डॉक्टर ने पूछा कि कितना भार लगता है। रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब लगभग 50 ग्राम भार लग रहा है मुझे। डॉक्टर ने कहा कि तूने ये उठाया तो ज्यादा जोर पड़ा या नहीं पड़ा। रोगी कहने लग गया कि डॉक्टर साहब जोर कुछ भी नहीं पड़ा, 50 ग्राम आदमी तो वैसे ही उठा लेता है। डॉक्टर ने कहा कि इस गिलास को रखना मत, पकड़े रहना। पकड़े रहे, 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, एक घंटा, डेढ़ घंटे तक उसी पोज में उस गिलास को पकड़ाए रखे। फिर डॉक्टर ने पूछा कि कितना वजन लगता है। उस रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे मैंने 5 किलो वजन उठा रखा हो। क्या वो वजन बढ़ गया? वजन तो उतना का उतना है, 50 ग्राम ही वजन है, लेकिन हाथ का सामर्थ्य कितना है। छोटी सी चिंता मन के अंदर लिए बैठे रहते हो और चिंता का समाधान नहीं करते, तो वही छोटी सी चिंता आपके अंदर पहाड़ जैसा अनुभव करवाने लग जाती है, इतना भार पैदा कर देती है अंदर अंदर। जब कोई छोटी मोटी समस्या हो, चिंता हो, जितना जल्दी समाधान कर लोगे उतने जल्दी हल्के हो जाओगे। दिनकर जी कहते हैं कि चिंता करने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों की भावना दया की भावना रहती है, दया की दृष्टि रहती है, लेकिन जब कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति लोगों के पास जाता है, समाज के लोग समझते हैं कि ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसके प्रति दया की दृष्टि नहीं होती। लोग देखते हैं कि आ गया चलती फिरती जहर की पोटली, जहां जाएगा जहर फैलाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति जहरीला हो जाता है। आप देखना, जो ईर्ष्यालु होते हैं वे मुस्कुराते नहीं है, हंसते नहीं है, उनका चेहरा बेचारा बुझा बुझा मिलेगा। इतना बुझा हुआ चेहरा, कोई हंसाना भी चाहे तो इनको हंसी नहीं आती, और अपने उस दुख को दूर करना चाहते हैं। ईर्ष्या से उत्पन्न जो दुख है, उस दुख को दूर करने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। उपाय हो सकता है थोड़ी देर बैठ जाए ध्यान में, परमात्मा का सानिध्य कर ले, ईर्ष्या कम होगी, दुख कम होगा। उपाय हो सकता है कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ ले, वे सैद्धांतिक पुस्तक पढ़ने लग जाए, मन उसमें लगेगा, ईर्ष्या घटेगी, दुख घटेगा। उपाय हो सकता है कोई सत्संग सुन ले, वे सत्संग में बैठेगा, मन लगेगा, ईर्ष्या कम होगी, दुख घट जाएगा। उपाय हो सकता है सामाजिक सेवा कर ले, वे सेवा में मन लगेगा, ईर्ष्या घटेगी, दुख भी घटेगा। लेकिन इस ईर्ष्यालु व्यक्ति को ये उपाय अच्छे नहीं लगते। इसको एक उपाय अच्छा लगता है, कौन सा उपाय? ये व्यक्ति जिससे ईर्ष्या कर रहा है, किसी तीसरे के पास बैठ करके उसकी निंदा करेगा। ये निंदा करना उपाय इसको सबसे अच्छा लगता है।